दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ये सेशन आपकी वोकैबुलरी को ब्यूटीफाई करेगा। जब आप इसको देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। इस सेशन का नाम है सुपरहिट फ्रेजेस सेशन। सुपरहिट फ्रेजेस मीन्स इसमें मैं आपको एक फ्रेज सिखाऊंगा जब भी हम ये सेशन लेंगे। तो आज की जो फ्रेज है वो है यू हैव गट टू बी किडिंग। इसका मतलब है जो कहा गया है, मतलब आपने जो सुना, जिस सामने वाले ने जो कहा है वो अनबिलीवेबल है, रिडिकुलस, मतलब जिस पर विश्वास नहीं रख सकते और एक विचित्र जैसा है। हम जनरली देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कई बार ऐसा कुछ तो भी बोल देते हैं जो विश्वास के लायक नहीं होता, अनबिलीवेबल होता है, रिडिकुलस रहता है, विचित्र रहता है। और इसीलिए इस टर्म में शब्द इस्तेमाल किया है किडिंग, मतलब आप बच्चे की तरह बन रहे हैं। लेकिन स्पेशली क्या मतलब है कि आप बच्चे के जैसा कैसे बन रहे हैं, कि जो आप बोल रहे हो वो अनबिलीवेबल है, रिडिकुलस है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, राम। कृष्णा, फादर इज आस्किंग यू टू स्टे एट होम। पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें घर पे ही रहना है, हमारे साथ नहीं आना है। कृष्णा, व्हाट, क्या, यू गट टू बी किडिंग मी, आई हैव पैक्ड ऑल माई स्टफ्स टू कम विथ यू। मतलब मैंने तो अभी तुम्हारे साथ आने के लिए सभी अपनी सभी चीज़ें बांध के रखी है और तुम कह रहे हो नहीं आना है, यू गट टू बी किडिंग मी। दूसरा एग्जाम्पल, एट द वेजिटेबल मार्केट नायपू। हाउ मच, कितना। वेंडर, 200 रुपीज़ पर केजी, 200 रुपये पर केजी। नायपू, यू गट टू बी किडिंग मी, आई बॉट इट एट 60 रुपीज़ पर केजी इन द मॉर्निंग ओनली। मैंने तो ये सुबह सिर्फ 60 रुपये केजी से लाया है, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तो ये है टर्म दोस्तों, यू गट टू बी किडिंग मी, मतलब जैसे कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा मजाक, ऐसा मजाक जो विश्वास नहीं रख सकते और जो रिडिकुलस, मतलब विचित्र जैसा है। तो ये टर्म है दोस्तों फ्रेज, और हम ऐसी फ्रेजेस सीखते जाएंगे हर बार। अगली बार कोई दूसरी बहुत सुंदर फ्रेज जो आपकी भाषा को ब्यूटिफाई करे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।